Hey guys, Telebuzz is back with some latest updates of the most loved show, Jee Le Zara. Dhruv and Sanchi have been winning the hearts of one and all. Telebuzz brings to you an exclusive interview of Sanchi aka Sangeeta Ghosh just for you fans. Check it out. Sanchi as usual काम कर रही है. As usual अपने आप को इस्तेमाल कर रही है घर के लोगों के लिए. कुछ नहीं, normal scenes है. खाना बन रहा है. Factory के workers आते हैं उसके पास. उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है. सांची है ना, सबका प्रॉब्लम सॉल्व करती है, सिर्फ खुद का ही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करती है. वक्त ही नहीं है उसके पास अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. बहुत परेशानी में है, पैसों की कमी है, लेकिन वो किसी पर जताना नहीं चाहती है कि प्रॉब्लम में है, तो इसलिए वो सब कुछ नॉर्मल कैजुअली बिहेव करती है. नई प्रॉब्लम और सुनने में आ रही है कि दिल कहीं गायब हो गई है, आप उन्हें ढूंढ रही हैं, वो कहाँ चली गई? हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ कि दिल गई तो गई कहाँ, क्योंकि उसे बार बार फ़ोन करने की आदत है, घर पे आ जाती है कुछ ना कुछ लेके, हमेशा टच में रहती है, लेकिन दिल इस बार गायब है. तो साची वही उसे ढूंढने गई है कि घबरा रही है कि उसकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन उसे पता चलता है फाइनली कि वो कहाँ गई है, तो थोड़ा शॉकिंग है साची के लिए. मुझे सब कुछ आता है बनाना, वेज नॉन वेज सब कुछ. फेवरेट डिश खाने में या बनाने में? मैं बहुत कुछ बना लेती हूँ एक्चुअली, लेकिन कोई एक फेवरेट डिश नहीं. मैं फ़िश अच्छा बना लेती हूँ, फ़िश करीज अच्छा बना लेती हूँ. नॉन वेज में मटन वगैरह अच्छा बना लेती हूँ, चिकन बना लेती हूँ, अलग अलग टाइप के रोल्स बना लेती हूँ. वेज में अलग अलग सब्जियाँ बना लेती हूँ, दाल बना लेती हूँ, राजमा बना लेती हूँ, पनीर बना लेती हूँ, पुलाव बना लेती हूँ, प्रॉन पुलाव बना लेती हूँ, प्रॉन्स बना लेती हूँ, बहुत कुछ बना लेती हूँ. आपके मुंह में पानी आ रहा है. आपके खाने में अगर आपके खाने में फेवरेट डिश क्या आपका? मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, सिंपल खाना, दाल चावल या घी चावल. घी चावल मेरा फेवरेट है, गरम गरम चावल और ऊपर घी, ये मेरा फेवरेट खाना है सबसे. हाँ, सब अपने अपनी खिचड़ी पका रहे हैं अलग अलग जगह. मुझे जाके तड़का मारना पड़ता है सब में, सबको संभाल, सब जाके चेक करना पड़ता है नमक और मिर्च सब ठीक है कि नहीं, मुझे बचाना पड़ता है उस खिचड़ी को. तो इस खिचड़ी को भी बचा लेंगे, कोई बात नहीं. अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि अब बीवी की कुछ सगाई का कुछ मामला चल रहा है, तो क्या है वो जो मामला, जरा हमें भी बताइए. हाँ, मेरे भी सुनने में ऐसा कुछ आया है कि डीवी के सगाई का कुछ मामला चल रहा है, डीवी किसी और से सगाई करने वाला है. लेकिन अब मैं साची होकर क्या दोष दे सकूँ, मैंने खुद ही रिश्ता तोड़ा है उसके साथ, और मैं तो चाहती थी कि वो अपने फैमिली के साथ रहे. तो मेरे ख्याल से वो उसने भी अपनी फैमिली के लिए ही ये कदम उठाया है कि मैं किसी और के साथ सगाई कर लूँ. तो बुरा तो लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन देखते हैं. लेकिन साची का दिल तो नहीं मानेगा. तकलीफ तो होगी, मैं वही बोल रही हूँ, तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन वक्त सब कुछ ठीक कर देता है. लेट्स सी सगाई होती भी है या नहीं, और क्या होता है अगर सगाई होती है तो उसके बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो ज़रूर होगी. थैंक यू. If you want many more interviews, then hit the like button and leave your comments. Don't forget to subscribe to Telebuzz for more daily television updates.